वे सोने जी वे भावे किसे दा हो के जी हो की हो। मैं जसवंत खाने वाला जी, पिंड मेरा खाने वाला, तहसील पात्रा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला च। तो मेरा जिहड़ा अपना शौक है म्यूजिक दे नाल है, मेरी स्टडी म्यूजिक दे नाल है। बाकी मैनू इस फील्ड च कम करना अच्छा लगता, उस तो बिना मैनू कुकिंग करना ते क्ले मॉडलिंग पेंटिंग करन दा शौक है। मैनू बचपन तो मम्मी ने कुकिंग सिखाई सी, कुकिंग दे नाल नाल म्यूजिक दा नाल पेंटिंग दा। पर मेरा एक सुपना सीगा कि मेरा किसी टाइम एक ढाबा होएगा, ढाबा जिहड़ा होएगा म्यूजिक दी थीम दे नाल होएगा, जिथे लोग आके बैठ सकन ते एक लोगों खाने के नाल नाल एक सुकून मिले, शांति मिले, जिथे लोगों आके अपनापन लगे। इस चीज़ पर असी काम किया सारी टीम। इस साल दे लोहड़ी तो असी ओपन किया जनवरी से, तो ये ढाबे नूं असी लैके काफ़ी नाम नूं लैके असी काफ़ी उस कन्फ्यूज सीगे। पर जदों असी सर्च किया, काफ़ी सर्च करन तो बाद असी इहदा नाम ढाबा MP3 रखिया कि नाम छोटा होवे, लोगों नूं जल्दी याद होवे, ते नाम तो साडे फील्ड का पता लग जाए किहड़े फील्ड दे बंदे। सोच सोच के मरना ऐदा जोना नहीं, जे मर जे थोड़ी जमीर फिर कुछ होना नहीं। म्यूजिक दे नाल पहला मैं स्टार्टिंग तो चाचा जी होर तो 10 साल सीखिया, उस तो बाद फिर मैं बाहर आके मोदी कॉलेज तो ग्रेजुएशन की। मोदी कॉलेज से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सर बलवीर सर सीगे, ते काफ़ी अच्छे सीनियर बंदे नाल काम करन दा मौका मिलिया, जिदे थ्रू बड़ियां बड़े स्टेजा ते यूथ फैसटिवल से काम किया। उस तो बाद उन्होंने थ्रू भंगड़े दियां बोलियां दे नाल जुड़ गए, फिर पंजाब च इंडिया लैवल ते काम किया, फिर बाहर काफ़ी देशों में भी काम कर चुके हैं। इस नूं लैके पंजाब दी लोक गायकी नूं लैके थोड़ा पापा नाराज़ सीगे इस चीज़ नूं लैके। पापा कह रहे सीगे वी इदां वी ढाबा तुसीं क्यों करना है, इस फील्ड च तुसीं क्यों जाना है। पर मैं तुहानूं गल दसदा, मैनूं किसी दे अंडर काम करना पसंद नहीं। मैनूं जो भी है मैं अपना करना चाहना, भी मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी दे अंडर काम करा जां कोई, क्योंकि जे कर सकते हैं जिस से हरेक इंसान जाए, हरेक इंसान से कोई ना कोई कला जरूर होंदी है, ते जे कोई बंदा कोशिश करे तो अगे लिया के सब कुछ कमा सकदा। ते हो सकदा जिंदगी सारा कुछ औखा होवे पर पैसा कमाना औखा नहीं, मैं इस चीज़ का तजर्बा करके देख चुका। जदों असी शुरू किया सीगा ते लोगों ने बहुत बंदे होंदे जिहड़े तुहानूं पॉजिटिव रखदे आ, बहुत बंदे, क्योंकि दुनिया हर तरह इक्को तरह दी नहीं हुंदी, बहुत बंदे कह रहे नैगेटिव लैके जाण दी कोशिश करदे आ कि तुसीं पिछे कर लिया जां जिहड़े कंसैप्ट ते तुसीं कर रहे हो इह नहीं सिरे चढ़ना। पर एक गल तुहानूं दस दईए वी कदे वी तुसीं तुहानूं माहौल बणिआ बणाए नहीं मिलदा, माहौल बणाउणा पैंदा तुहानूं अपने लई। जे तुहाडे 'च इक करन दी इच्छा है तां तुसीं हर तरह के इंसान को कील सकते हो, तो माहौल तुसी बना सकते हो जो तुसी कोशिश करो। जदों असी ये शुरू किया कुछ मेरे नाल टीम के बंदे सीगे, मेरे घरदिआं ने बहुत सपोर्ट की, मेरे नाल साढ़े बाई हैप्पी भगता जी ते किरण दीदी जी, उन्हां दे सहयोग के नाल काफ़ी असी इस नूं अगे लैके आए हैं। तो बाकी जो पेंटिंग है जां इह साडा खुद दा सारा डिजाइन है, बाकी साडा कश्मीर बाई पेंटर सीगा, उन्हां दे सहयोग दे नाल इह काफ़ी असीं सिरे कीता। ढाबा MP3 ते कुछ पेंटिंग ते कुछ चंगीआं लाइनां लिखीआं ने जो चंग लोकां नूं इक पॉजिटिविटी देण, और जो फेस है नौ रस बने हुए आ, उस तो बिना कली कली चीज़ उरे साडे ढाबे ते तुहानूं इदां मिलेगी कि पॉजिटिव एनर्जी असीं रखदे आ, वी लोकां नूं अच्छा एक मैसेज मिले। खाने च रेगुलर कस्टमर नूं दिंदे आ, रेगुलर कस्टमर लई असी सवेरे परौंठा चटनी अचार चाह वगैरह, परौंठा हर किस्म दा परौंठा हुंदा साडे कोल। उस तो बिना दुपहर दे खाने च असी बच्चों नूं चावल दाल रोटी जो भी हुंदा है, ते बाकी शाम दा असी दाल सब्जी रोटी चावल ए सब कुछ अवेलेबल करके दिंदे आ। बाकी जो पार्टी हुंदी आ, पार्टी लई असीं खास रखते हैं, पार्टी नूं जो भी उन्होंने खाना, जो स्नैक्स खाना A to Z जो भी उन्होंने खाना, असीं हर चीज़ उरे उन्होंने बना के दें।
इत्थे ज़्यादातर साढ़े कोल पार्टी आंदे बर्थडे पार्टी मैरिज एनीवर्सरी या किसी का होर कोई फंक्शन हुंदा है तो वह रखते उरे फिर उरे साडा शाम का जां टाइम जिहड़ा हुंदा उरे म्यूजिक वाला माहौल अच्छा हुंदा है। तो थोड़ा सब तो वड्डी गल दसदा उरे साढ़े आंढ गुआंढ के लोग भी उरे म्यूजिक का इंजॉय कर लैंदे भी उन्होंने साढ़े तो कदे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वो सगा इस चीज़ नूं लैके बड़े खुश हुंदे साढ़े इस एरिए च विदन जो उरे पार्टी हुंदी है पार्टी च मैं खुद हारमोनियम प्ले करके करदा सिंगिंग करदा बाकी नाल एक मेरे नाल मेरे मित्र हुंदे अर्शल आप वो गिटार ते हुंदे आ असीं दोनों सिंगिंग करदे आ। कई वारी पार्टी दे बंदे भी साढ़े नाल मिलजुल के गाँदे आ उदों बहुत अच्छा लगता क्योंकि उन्होंने कई बार कई सालों तो गाया नहीं हुंदा सानूं अगे दसदे भी अज सानूं गाण दा मौका मिलिया तो बहुत अच्छे तरीके नाल साढ़े नाल भी चलदे जो साडा खाना हुंदा है खाना असी बहुत सिंपल सी खाना रखते क्योंकि साढ़े को रेगुलर कस्टमर ज़्यादा हुंदा है बच्चे आते असी ये नहीं चाहते कि उन्होंने कोई प्रॉब्लम होवे बाकी असी भी इत्थे खाना आप खाना हुंदा है। तो बाकी कदे किसी असी कस्टमर नाल क्योंकि असी स्टूडेंट लाइफ च गुजरे हैं सानूं पता हुंदा है कि उन्हें पॉकेट मनी की हुंदी है तो इसलिए असी कदे भी किसी नाल पैसे नूं लैके बहस नहीं करते क्योंकि कल बच्चे का किसी का फोन आया सीगा तो स्टूडेंट सीगे यूनिवर्सिटी के वो साढ़े तो रेगुलर खाना खा रहे थे तो उन्होंने कल परसों मैं ऑर्डर फड़ाने जाना सी मैं फोन किया मैं क्या बच्चे खाना आ रहे वो अगो गुड़िया ने कहा कहें भी मैं खाना अज तो बंद कर रही हूँ मैं क्यों कहें भी मेरे को भी पे करने लिए पैसे नहीं है भी मैं खाने लिए मैं उन्होंने बहुत फोर्स किया कि तुम खाना खाओ जो थोड़े को पैसे होने दे देना पर तुम भी खाना ना छोड़ो ये बहुत जरूरी चीज़ है। तो पर उन्होंने फिर भी मेरे बार बार कहने मना करता बहुत बच्चे आते हैं जिन्हें कॉम्प्रोमाइज़ असं करते हैं कि नहीं है कोई गल नहीं फिर तुम दे जो पर इतने पढ़ रहे तुसी पर इस चीज़ को लैके भुखे ना रहो खाने लैके खास करके रूटीन च मैं जड़ा मेरा जड़ा मैं मॉर्निंग टाइम इतने मैं कुकिंग करनी होंगी है दोपहर के खाने तक दोपहर तो बाद ब्रदर आ जाते हैं तो बाकी सवेर तो लैके दोपहर तक मेरा कुकिंग का होंगे उस तो बाद ईवनिंग नू कुछ बच्चों म्यूजिक क्लासा मैं देन जाना वो हो जाता बाकी शाम इतने जो कस्टमर आते उन्होंने म्यूजिक सुनाने हैं तो बाकी मैं अपना कुछ टाइम पेंटिंग या क्ले मॉडलिंग दिना घरों इन्नी सपोर्ट नहीं हैगी कि पैसे नू लैके भी कि जिमें थोनू दसा कि जे मैं अज्ज चाहव जे आप कही कि भी मैं कई दोस्त मित्र कह देंगे कि भी ये तो तू गाने ते पैसा लाना चाहिए सीगा तेन पर मैं ये लगता कि जे मेरे को 2-4 लाख रुपया सीगा मैं गाने ते ला के बेला हो जाना सीगा मैं अपने इत्थे लाया मेरी थोड़ी वाली इनकम डेली दी आन लग गई है तो वाल यह होंगे कि मैं अपने आप को बिजी कर लिया जो मेरे को महीने 5-4 शो होंगे तो मैं 20-25 दिन फ्री रहता सीगा पर मैं हूँ फ्री नहीं हाँ अपने इत्थे काम करदा रेगूलर करदा तो मैं अपनी लाइफ चो संतुष्ट हाँ मैं किसी चीज़ की इतने जोड़ा साडा एक जो मेरा सुपना सीगा एक ढाबा तो होना चाहिए ढाबे के नाल नाल मेरा सुपना सीगा टारगेट सीगा साडा कि एक जेडे आर्टिस्ट लोग होंगे उन्होंने बैठने लिए जगह होवे कितने मतलब कंफर्टेबल होन अपना खुल के इंजॉय कर सकन इस चीज़ को असी लैके ढाबा MP3 बनाया और साढ़े को काफ़ी आर्टिस्ट आते हैं बाई साइंस सुल्तान आते मुहम्मद इरशाद आते हैं बाई उस तो बाद साढ़े मानकली साहब काफ़ी सिंगर अच्छे अच्छे आर्टिस्ट उरे आते हैं जो परफॉर्म करते गाते खाना खाते हैं तो बाकी कई यूनिवर्सिटी के आर्टिस्ट आते गज़लों वाले पोइट्री वाले उरे आके महफल करते गज़लों शेयर करते एक दूजे नाल खाना खाते फिल्म लाइन के आर्टिस्ट काफ़ी आते हैं तो चंगा लगता जो योजे आर्टिस्ट आते हैं बाकी साडा सारा दिन माहौल उरे म्यूजिक वाला ही बनया हाँ जिहड़ा सी इसका सोचा सी ये मैं एक छोटा जिहा तजर्बा करके देखा सी आने वाले टाइम से इसकी एक अच्छी अस किसी रोड से या पटियाले के नेड़े कितने असी इसकी एक बड़ी ब्रांच बनावांगे तो ढाबा MP3 के नाते जिथे लोगों को संगीत हमेशा सुनने मिलेगा अच्छे आर्टिस्ट आके परफॉर्म करेंगे अच्छा खाना लोगों को देवेंगे अच्छा सुकून लोगों को दईए तो भी जिंदगी जी जा सकती है किसी भी हालत जरूरी नहीं कि पैसा हो इंजॉय करो किसी भी हाल पानी दा बुलबुला बंदिया
वे तू पानी दा बुलबुला बंदिया की जाने ओ दे कारे वे ओ तेनू किदा डुबन दऊ जेड़ा डुबदे पत्थर तारे वे तू पानी दा बुलबुला बंदिया।